गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे बिकॉज अब हम सब लोगों का जो बिजनेस है वो बहुत दिन पर दिन डे बाय डे अपग्रेड होता जा रहा है एंड हम सब लोग इस बिजनेस के लिए जो अपने आप को रेडी भी कर रहे हैं और हम सब लोगों को जानने का अब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है कि हमारा जो ओ कनेक्ट है वो तो हमने परचेज कर लिया है, वो हमने मैक्सिमम लोगों ने परचेज कर लिया है और नहीं भी किया है तो कोई ज्यादा सोचने विचारने वाली या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से करिए, आपके पास जैसे ही आपके पास अरेंजमेंट हो जाए, आपके पास सारी व्यवस्थाएं हो जाए, आप अपना ओ कनेक्ट जरूर परचेज करिए बिकॉज ये हमारे बिजनेस की पहली सीढ़ी है, पहली स्टेप है और इसको तो हमें फॉलो करना ही करना है। सो अब बहुत सारे लोगों के मन में ये एक जिज्ञासा बनी हुई है कि अब हमें आगे क्या करना है और ये जानना हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है बिकॉज बहुत सारे लोग हैं ये सब जानना चाहते भी हैं कि हमें आगे क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर बने रहना है बिकॉज आपको अब अपने बिजनेस को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस होना ही होना है। सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा उन सभी के लिए, फाउंडिंग मेंबर्स या हमारे जो कस्टमर हैं उन सभी के लिए कि आपने अपना ओ कनेक्ट परचेज कर लिया है और आपका जो एक बिजनेस का सिलसिला है या आपके एक जर्नी की एक करियर की जो स्टार्टिंग है वो आपने शुरू कर दी है। बिकॉज ऑन पैसिव एक हमारा करियर ही नहीं है बल्कि यह एक जनरेशन टू जनरेशन बनाने वाला करियर है और इसको बहुत ही ज्यादा सीरियस तरीके से हम सब लोगों को करना है और इसके अंदर ज्यादा हमें कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ सीखने पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। सो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हमें ओ कनेक्ट परचेज करने के बाद हमें क्या करना है और आपने परचेज कर लिया है वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बधाई। और आपने अगर अभी तक परचेज नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके आप अपना परचेज जरूर करिए। मनेंद्र सिंह गोला दिस साइड एंड यू आर वॉचिंग माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहली चीज, कंपनी के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस इंस्ट्रक्शंस हम सब लोगों को समय समय पे मिलते रहेंगे, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को हमें समय समय पे फॉलो करना है। जो भी कंपनी अपने यूजर एग्रीमेंट के अंदर या अपने एनडीए के अंदर जितने भी उसने रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं उसको हमें फॉलो करना है। समय समय पे हमें पॉपअप के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें हमें कंपनी बताती रहेगी, उनको भी फॉलो करना है और खास तौर से हमें उन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना है जो हमें फॉलो नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखना, मैंने अभी क्या कहा आपने शायद समझ नहीं पाए होंगे, मैं इस बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। हमें उन चीजों को सबसे ज्यादा फॉलो करना है जो कंपनी कहती है कि आपको ये चीजें फॉलो नहीं करनी है। ओके, यानी कि हमें नेगेटिव चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है जो कंपनी कहती है कि आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ऐसी ही चीजों को सबसे ज्यादा फॉलो करना है। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो एक बुद्धिमान या ज्ञानी इंसान वो है जो ये जानता है कि मुझे इस जिंदगी के अंदर जो है क्या नहीं करना है, जो ये जानता है ना कि मुझे क्या नहीं करना है वही सबसे ज्यादा समझदार इंसान है। सो यहां पे कंपनी हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती रहेगी और उनको फॉलो करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है बिकॉज उसी में ही हमारा करियर पूरी तरीके से निहित है, उसी में ही हमारा पूरा का पूरा जो जीवन है वो पूरी तरीके से समाहित है, इसलिए हमें इन सारी चीजों को फॉलो करना है। नंबर वन एंड नंबर टू, इकोसिस्टम को रन किस तरीके से करना है, इकोसिस्टम को स्मूथली किस तरीके से चलाना है, इकोसिस्टम के जितने भी ऑप्शंस हैं उसको किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, हमारे इकोसिस्टम के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी उसमें ऑप्शंस हैं उन्हीं का ही आप इस्तेमाल करेंगे बिजनेस करने के लिए। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कस्टमर भी बनाना है तब भी आपको अपना इकोसिस्टम ऑन करना ही पड़ेगा। अगर आपको प्रोडक्ट परचेज करना है तो आपको इकोसिस्टम ऑन करना ही पड़ेगा। अगर आपको विड्रॉ करना है, अगर आपको पेमेंट करना है, अगर आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट भी आपको रिसीव करना है तब भी आपको अपना इकोसिस्टम ऑन करना ही पड़ेगा। या फिर आपके उस इकोसिस्टम के अंदर जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उनसे आपको कॉन्टेक्ट करना है तब भी आपको इकोसिस्टम ऑन करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको एक एक पॉइंट की आपको जानकारी होनी चाहिए, ये आपको काम अब करते रहना है बिकॉज इसमें आपको पारंगत हासिल करनी है। पारंगत का मतलब आपको एक्सपर्ट बनना है इन सारे चीजों में, अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप उतनी ही तेजी से बिजनेस कर पाएंगे। नंबर थ्री, ओ कनेक्ट को
डिजिटल मेथड का यूज करके, जी हाँ डिजिटल मेथड का इस्तेमाल करके ओ कनेक्ट को किस तरीके से हमें शेयर करना है, किस तरीके से हमें सेल करना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सीख गए तो बस हो गया काम। अगर आप ये सीख गए तो आपका जो ओ कनेक्ट है वो आप किसी को भी सेल कर सकते हैं। आप ओ कनेक्ट का इस्तेमाल करके भी अपने बहुत सारे कस्टमर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। तो ओ कनेक्ट का जो डिजिटल मेथड है, इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो में बनाने वाला हूँ, और ये हमारे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं उनका भी एक बहुत ही अच्छा ये एक डिमांड है कि सर हमें ये बताइए कि हम डिजिटल मेथड का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करें। तो मैं उसके ऊपर एक 5 से 10 मिनट की वीडियो जो है आपको जरूर बना के दूंगा, बिकॉज आपको उसमें ये जानने का मौका मिलेगा कि हम किस तरीके से डिजिटल तरीके से अपने ओ कनेक्ट को जो है सेल करेंगे, किस तरीके से क्या क्या मेथड इसमें यूज करेंगे, और किस तरीके से हम और कहां कहां पे हमें उसको जो है शेयर करना है, क्या चीज शेयर करनी है। तो उसके कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स होंगे, कुछ मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होंगी, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सो ये हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमें ओ कनेक्ट को परचेज करने के बाद में हमें ये काम करना ही करना है। आप अपने लेवल से करिए, किसी की नकल करने की या किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर लूं, नहीं। आप कोई भी काम करेंगे अपने अकॉर्डिंग करेंगे, अपने अनुसार करेंगे, आप अपना ही सब कुछ जो आपका कौशल है, जो आपका टैलेंट है, उसी का ही इस्तेमाल करेंगे। किसी दूसरे की नकल करके आप सोचें कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं तो मैं भी ऐसा कर लूं, नहीं, आप नहीं कर सकते। आप अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करिए, और हाँ समय समय पे मैं आपको ट्रिक्स बताता रहूंगा, और एक पार्टिकुलर वीडियो में और भी बनाऊंगा कि हम ओ कनेक्ट को किस तरीके से कस्टमर में किस तरीके से हम ओ कनेक्ट को कस्टमर लेके आए, कस्टमर किस तरीके से बनाएं और वो हमारा ओ कनेक्ट को परचेज करें, इसके बारे में भी मैं आपको एक पार्टिकुलर अलग वीडियो बना के दूंगा। बिकॉज ये जो अलग अलग टॉपिक की जो वीडियोस होती है ना, ये आपके सारे के सारे कंफ्यूजन को दूर कर देती है। और जब भी आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको अलग अलग वीडियोस के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है ये नहीं है कि मैंने एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ पेल दिया, इसके अंदर नहीं सब कुछ मैंने डाल दिया, इसके अंदर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग वीडियोस का मतलब होता है कि पार्टिकुलर किस टॉपिक पर वीडियो मैंने बनाई है, उसमें आपको सर्च करने में बहुत ही ज्यादा आसानी मिलती है। सो यहाँ पे आपको डिजिटल तरीके से आपको शेयर करना ही करना है, जितना आप कर सकते हैं। नंबर 4, ओ कनेक्ट को सही तरीके से चलाना आपको सीखना पड़ेगा। ओ कनेक्ट को आपने परचेज तो कर लिया है, लेकिन अगर आपको उसको चलाना नहीं आता है, आपको उसको रन करना नहीं आता है, तो ये आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओ कनेक्ट को परचेज करने का मतलब ये नहीं है कि आपने परचेज कर लिया और रख लिया। अगर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका कोई एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, या आप कोई कंपनी चलाते हैं, या आपके पास 10-20-50-100-500 लोगों की टीम है, तो आप अपने उस लोगों को, उन बहुत सारे लोगों को आपस में कनेक्ट करने का एक ये एक टूल है हमारे पास, तो इसका आप यूज जरूर करिए। लिंक को कैसे क्रिएट करना है ये आपको आना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं नहीं सीखूंगा तो मुझे इनकम नहीं आएगी। भाई इनकम एक अलग चीज है, लेकिन आपके साथ जो व्यक्ति जुड़ेगा, आपके साथ जो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस करेगा, आपको उसको भी तो सिखाना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं सिखा पाएंगे, वो टॉपिक आपको आता ही नहीं है, वो टॉपिक आपने सीखा ही नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति थोड़ा सा एक मायूस हो जाएगा कि यार मैं कैसे व्यक्ति के साथ जुड़ गया। इसलिए आपको बेसिक चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, ये आनी चाहिए, जिससे कि आप एक कस्टमर अगर बनाते भी हैं तो आप उसको अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर सकें, और आप उसको किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, टूल के बारे में, कंपनी के बारे में, एंड और भी जो इन्फॉर्मेशन वो मांगता है, तो उसके बारे में आप उसको सारी चीजें आप विस्तार से बता सकें, तभी वो आपका एक पोटेंशियल कस्टमर बनेगा। नंबर नेक्स्ट, कस्टमर को क्रिएट करना। ओ कनेक्ट को परचेज करने के बाद में आपको कस्टमर को क्रिएट करना, ये आपको सीखना है, आपको करना ही पड़ेगा, कस्टमर को आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि मुझे इनकम नहीं आएगी। भाई हमारे पास, कंपनी के पास दूसरा रास्ता भी है, कंपनी आपको कस्टमर देगी, और जो कस्टमर देगी तो वो अपने तरीके से काम करेंगे, लेकिन आपको प्रोडक्ट तो परचेज करना ही करना है ना। अगर आप प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे तो आपको इनकम नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप कस्टमर क्रिएट करेंगे,
जितना भी आप कर सकते हैं, 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100 जितने भी आप कर सकते हैं आप उतने करिए। जिस किसी को बता सकते हैं आप बताइए, बिकॉज ये बताने का ही बिजनेस है, ये शेयर करने का ही बिजनेस है। अगर आपके घर में आपका बच्चा बीमार पड़ जाता है और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बच्चा आपका ठीक हो जाता है, और वही प्रॉब्लम आपके पड़ोसी के बच्चे को हो जाती है, और आपके पड़ोसी आपसे पूछते हैं कि आपने बच्चे का इलाज कहाँ पे कराया, तो आप उनको बता देते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि मैं इस डॉक्टर के पास गया था, आप वहां पे अपना बच्चे को आप जरूर दिखा लीजिए, 100% वो सही दवाई देंगे तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो वहां पर भी आपने बताने का काम किया। ऐसे ही बहुत सारे स्कूल के नाम आप बता देते हैं कि हमारा बच्चा जो उस स्कूल में पढ़ता है अच्छी पढ़ाई होती है, तो आप एक दूसरे को बता देते हैं। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जाने अनजाने में हम बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ओ कनेक्ट के बारे में जितना आप नॉलेज ले लेंगे उतना आप बता सकते हैं लोगों के बारे में। तो आप कस्टमर क्रिएट करने के लिए ये जरूरी है, तो आपको ओ कनेक्ट परचेस करने के बाद में कस्टमर को क्रिएट करना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। अगर आप एक कस्टमर भी क्रिएट करते हैं तो 14 लाख लोग हैं, अगर 14 लाख लोगों ने अगर एक एक कस्टमर को भी क्रिएट किया तो आप सोचिए कि कंपनी के पास 14 लाख लोग ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे बिना किसी लेवल के, बिना किसी मेहनत के, कंपनी ने कोई भी मार्केटिंग नहीं की, और इसका फायदा आगे आने वाले टाइम के अंदर हम सब लोगों को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। जो कस्टमर बन रहे हैं वो भी तो हमारा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे डाटा सेंटर में अपना डाटा को स्टोर कर रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ पे है, लेकिन बस आपको यहाँ पे काम को करते जाना है। सो बिजनेस के लिए आपको रेडी रहना है, और जो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और हर एक व्यक्ति को बिजनेस कराने के लिए भी आपको रेडी करना भी है। अगर आपने किसी कस्टमर को जोड़ा है, ज्वाइन किया है, तो आपको उस तरीके से उसको समझाना है कि वो भी बिजनेस करने के लिए हमेशा रेडी रहे, वो भी आगे अपना ये काम डुप्लीकेट कर पाए। और लास्ट में एक पॉइंट और भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है खुद को तैयार करना। अगर आपने ओ कनेक्ट परचेस कर लिया है तो अब आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी काम है वो है अब खुद को तैयार करना है। कैसे तैयार करना है कि मैं ओ कनेक्ट को जो है किस तरीके से मैं चला सकूं, मैं लोगों को कस्टमर कैसे बना सकूं। आपको अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी, जितना ज्यादा आप अपने ऊपर काम कर लेंगे उतना ही ज्यादा आप इसमें एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। और यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखनी है, और खास तौर से बेसिक कंसेप्ट जो होता है हर एक चीज का, हर एक कंपनी का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसमें तो आपको एक्सपर्ट बनना है। बेसिक कंसेप्ट का मतलब यह है कि कंपनी क्या है, कंपनी कहाँ की है, हमारे सीईओ कौन है, हमारे और मार्केटिंग हेड कौन है, एंड हमारी टेक्निकल टीम कहाँ पे है, प्रोडक्ट कहाँ पे बन रहे हैं, हमारे ऑफिसेज कहाँ पे हैं, एंड हमारा जो एक स्टाफ है वो किस तरीके का स्टाफ है, हमारे ऑफिसेज किधर हैं, एंड हेड ऑफिस किधर है, एंड ऑन पैसिव के बारे में आपको क्या क्या पता है, ये सब एक बेसिक चीजें होती हैं। ओमेल को कैसे क्रिएट किया जाता है, एंड ओमेल को क्रिएट करने के बाद में इकोसिस्टम को कैसे ऑन करना है, उसको जो हमारे $10 यानी कि उसमें दिखाई दे रहे हैं उसको किस तरीके से हमें यूज करना है, फ्री के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद में किस तरीके से क्रेडिट जनरेट होंगे, किस तरीके से क्रेडिट हम उसको निकाल पाएंगे, किस तरीके से हम विड्रॉ लगा पाएंगे, ये सारी चीजें बेसिक कंसेप्ट में आती हैं। तो आपको इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही गहनता से, बहुत ही डीपली आपको इनकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हो पाएंगे। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको कामयाबी के जो स्टेप्स हैं उसको सीखना पड़ेगा, कामयाबी के जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे अपने आप को एक लास्ट में टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम के अंदर आप अपने आप को देख पाएंगे। और इसके लिए आपको शुरुआत में कम से कम 6 महीने 7 महीने आप लगातार जितनी मेहनत कर सकते हैं आप उतनी मेहनत करिए। स्टार्टिंग की मेहनत ज्यादा होती है लेकिन रिजल्ट कम मिलता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है और मेहनत छोटी सी हो जाती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओ कनेक्ट को परचेस करने के बाद में आपको क्या क्या करना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बस बने रहिए मेरे साथ। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको कहीं पर भी जाने की, भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं सब कुछ यहीं पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से सब कुछ सिखा दूंगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वी आर सोनेट टू विनेट।